हेलो, आप सब कैसे हैं? तो ये रात की क्लिप है। तो यहाँ पे रात में मैं नाइट में आलू शिमला मिर्च मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, मिक्स सब्ज़ी जो है। तो और यहाँ बगल में मैं शाम की चाय भी बना रही थी और इधर साइड में मेरा दूध पक रहा था। तो मैंने कहा चलिए रात में मैं आप लोगों से कुछ। हेलो, गुड ईयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग नहीं है, गुड नाइट है, क्योंकि 9 बज गए हैं। और मैं आज, जानते हैं आप सभी लोग कि आज संडे था, तो संडे के दिन हमारे यहाँ कोई भी काम का कोई रूटीन नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है ना, तो वो सुबह से फिर। और आज मेरे हस्बैंड ने बहुत काम भी किया, वो अपने पिताजी के कमरे की साफ़ सफाई किए और खोली वगैरह जो रखी थी। तो पहले तो कहा उन्होंने कि वॉशिंग मशीन में तुम धो दो, मेरा वॉशिंग मशीन कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है जो है, तो वो जो है उसमें कोई जो ड्राई मतलब बटन होती है ना, जिससे पानी सारा बाहर आ जाता है, तो वो बटन ढीला हो गया है। तो उससे क्या करते हैं, अगर हम उसको ऑफ़ भी कर देते हैं ना, तो उसमें हम जब पानी डाल देते हैं तो पानी सारा पाइप से बह जाता है। तो जब कपड़े भी डाल दूँगी, पानी भी डालूँगी, तो पानी बहता जाता है। तो कुछ गड़बड़ हो गया है और मुझे उसको बुला करके इसको दिखाना है, लेकिन बस वही है कि समय नहीं मिल पा रहा है। तो छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं तो वो तो हम साबुन से ही धो लेते हैं, और अब ठंडी आ गई है ना, तो ठंडी में क्या होता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक तो वैसे कपड़े और दूसरा ठंडी के कपड़े, तो सब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज जो है। तो ये अपने मतलब अपने मम्मी पापा के कपड़े खोली वगैरह सब निकाले थे और मुझसे नहीं धोते बनता, क्योंकि मैं ये सब भारी इस तरह के कंबल वगैरह धोती हूँ ना, तो मेरे पीठ में दर्द होने लगता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे थायराइड है और मैं कुछ ज़्यादा उस तरह का काम कर लेती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो हमने तो कह दिया मैं नहीं धो पाऊँगी, आप जाके धो। तो इन्होंने निकाला, वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। फिर मैंने बताया कि नहीं, वॉशिंग मशीन गड़बड़ है, वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते। फिर यही अपना धोए हैं। तो आज ये सारा दिन थक गए थे, पूरा दिन सुबह से लगे थे पूरा दिन। और हमारे जो ससुर जी हैं ना, उनको सामान रखने का वो नहीं है, बस मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ रख दिया, फैला दिया इधर से उधर। तो थोड़ा सा उनका जो है सिस्टम दूसरा है, तो इसलिए आज हस्बैंड मेरे पूरा जो है साफ़ सफाई कमरे में उनके लगे थे, सारा कुछ जो है। जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको ये नहीं पता, वो मतलब कोई आउट ऑफ कोई सामान ख़राब भी हो जाता है, हम लोग बाहर फेंकाते हैं, उसको उठा लाते हैं, फिर जुगा के उसको रख देते हैं, मतलब ये होता है। जो बुज़ुर्ग और पुराने लोग होते थे ना, उनको संजो कर रखने की आदत होती थी, तो लेकिन अब हम लोग हैं, डिब्बे ख़राब हो गए उसको फेंक दिया। तो फिर आज मेरे हस्बैंड सब उठा उठा के सब डस्टबिन में डाल दिए, कि ये सब कबाड़ गाय का गांजे या वो जो है, तो फिर उठा उठा के वो रख दिए सब। तो आज पूरा दिन लगे रह गए थे, थक गए थे आज वो। तो लगभग 2 बजे खाना खाए हैं, फिर मैं आज वो बाजरे और चना और गेहूं की रोटी जो है बनाए थे, तो फिर मैं आटा सान के इनके लिए रख दी थी। मैंने कहा जब ये नहा धो लेंगे तो गरम गरम रोटी बनाऊंगी, तो इन्हें गरम गरम रोटी बनाई हूँ, फिर ये खाए हैं। तो इस समय उनका कहीं पर फ्रेंडशिप्ता में कहीं उनका जो है खाना पीना है, तो उन्होंने कहा मैं इस समय खाना नहीं खाऊँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम सवेरे चने के साग बनाए थे, और आज मैंने कोई चीज़ शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरी अभी किसी को फ़ोन आ रहा था। तो अभी मेरे जो है भाई का फ़ोन आ गया था, छोटे वाले भाई का, जो कि फतेहपुर में सर्विस करता है, बिजली विभाग में है। तो अभी वही फ़ोन किया था, तो मैंने कहा कहाँ हो, तो कहे मैं आ गया हूँ इलाहाबाद। हमने कहा अच्छा, खाना वाना खाए? तो कहे हाँ दीदी, बस जा रहा हूँ खाना खाने। हमने कहा मजबूत कपड़े वपड़े पहन लेना। कहते तुम लोग क्या, हम ऐसे ही कपड़े पहने हैं क्या? आजकल की जनरेशन में ज़्यादा फिक्र करो तो उन्हें थोड़ा सा वो रहता है। तो फिर अभी गया, मैं कहा जाओ खाना वाना खा लो, माँ है बहन है कोई भी हो तो थोड़ा चिंता तो होती ही है। कहे हाँ भाई जा रहा हूँ खाना खाने। कहे ठीक है जाओ खाया। तो बस अभी मैं भी ये देखिए हल्दी वाला दूध ली हूँ, क्योंकि मुझे आज ना हल्का सा जुकाम है, और मौसम क्योंकि ठंडा हो गया है, मौसम बदल गया है,
तो मुझे ठंडी से जो है हमेशा ठंडी में मुझे एलर्जी हो जाया करती है, तो हमेशा जो है ठंड से मुझे डॉक्टर ने पहले ही भी बताया था मुझे मुझे क्या होता है ना, मेरी मतलब नाक में इधर इधर तरफ जो है ये नाक मेरी बंद हो जाती है, ऐसे इधर की हल्की हल्की मांस जो होती है वो बढ़ जाती है, तो सांस लेने में भी मुझे दिक्कत होती है फिर कभी कभी ठंडी में अक्सर। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा आपको ठंड से एलर्जी है, ठंड से बचिए। अब कितना बचे ना, घर में जिम्मेदारियां होती हैं, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, तो कितना आदमी बच सकता है ठंडी से। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हल्का सा जुकाम के जैसे फीवर भी था, तो मैंने कहा चलो मैं ये हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ, तो बस अभी अपने लिए दूध गर्माई हूँ, और मुझे दूध ज़्यादा पसंद नहीं है तो, लेकिन बस थोड़ा सा आज ले ली हूँ हल्दी डाल करके, मैंने कहा मैं पी लेती हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाला हुआ दूध फ़ायदा करता है। तो बस और हम ज़्यादा इस समय कुछ खाना पीना नहीं बनाया, हस्बैंड मेरे चले गए बाहर खाना खाने, और सुबह वही चना के साग बनाए थे, मैंने कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि आज संडे था, सारा दिन मेरे हस्बैंड भी लगे थे, और ये होता ना घर के लोग जब टाइम से खाना खा लेते हैं तो हम लोग भी फुर्सत हो जाते हैं खाना पीना बना खिला के, वो लगे रहे तो हम भी बैठे रहे, बस सारा दिन बस इधर ही उधर इधर उधर, पूरा समय आज पूरा दिन चला गया, छोटा सा दिन होता है कब 2:30 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए ठीक है मैं पी लेती हूँ, मैंने कहा मैं इस समय आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, आज पूरा दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं मतलब शेयर किया, कुछ भी जो भी काम किया कुछ भी नहीं किया, और आज क्योंकि हमारे यहाँ एक बोरी में गेहूँ रखा था तो उन्हीं बाबा के कमरे में ही रखा था हमारे ससुर जी के, तो उसमें थोड़ा सा पाई वाई पड़ गई थी, तो उसको हमने ये निकाले हैं तो मैं छत में डाल आई हूँ, उसको आज लेके भी नहीं आई, बहुत ज़्यादा पाई पड़ गई थी, तो मैंने कहा छत में पड़ा रहेगा पूरी रात पड़ा रहेगा और उसको मुझे धोना पड़ेगा क्योंकि पाई इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि बिना धोए नहीं साफ़ होना है, फिर धो लूँगी तो फिर मैं उसको जो है पछोड़ लूँगी सूप से और बिन लूँगी तो फिर पिसवा लूँगी जो है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को शुभरात्रि, गुड नाइट, और रखती हूँ, और क्योंकि मैं ये हल्दी वाला दूध पीने जा रही हूँ तो बस इसी को पीती हूँ, और इस समय मेरा थोड़ा सा डाइटिंग चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड तो मुझे डांट रहे थे कि तुझे क्या सवार हो जाता है, मैंने कहा ऐसा है मुझे 10 दिन, अभी मैं उस दिन करवा चौथ के पहले मैं 10 दिन का अपना डाइट फॉलो करी थी जो है, तो उसमें मैंने क्या कर रही थी, सुबह एक रोटी ले रही थी, सुबह मतलब एक गिलास गर्म पानी अफ्रेश लेती थी 2 चम्मच, और फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खा लेती थी, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज योगा करती थी, फिर उसके बाद दोपहर में दाल में मैं टमाटर, मूली का पत्ता, मूली मतलब सारा बिल्कुल भूसा की तरह उस दाल में भर लेती थी, तो उसको खा लेती थी कचूमर बना के पूरा, बस रोटी भी नहीं खाती थी, और एक रोस्टेड पापड़ ले लेती थी, और शाम के समय क्योंकि चाय जो मेरी है ना कमज़ोरी है, मेरा दूध ठंडा हो रहा है, चाय मेरी कमज़ोरी है, मैं हर्बल लाइफ क्लब भी ज्वाइन की थी तो वहाँ जो सर थे उन्होंने कहा भाभी, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे वो, तो उन्होंने कहा भाभी आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, मैंने कहा मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ चाय नहीं छोड़ सकती क्योंकि चाय मेरी कमज़ोरी है, और चाय जिस दिन मैं नहीं पीती ना मेरा पूरा दिन सर दर्द करता है, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुपचाप बस लेटी रहूँ कोई काम ना करूँ, मतलब एक तरीके से एनर्जी शरीर में नहीं रहती, बल्कि वो भैया कहे भाभी आप जो अफ्रेश पी रही हो ना ये एनर्जी है, इसमें भी कैफ़ीन है, चाय से ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। मैंने कहा भैया कुछ भी हो मुझे 2 बार चाय चाहिए, और मैं दिन भर चाय नहीं पीती केवल सुबह और शाम को पीती हूँ, तो आदत पड़ी हुई है बचपन से पड़ी है तो कैसे छूट जाएगी, अब नहीं मिलेगी तो फिर सर दर्द करता है, तो बस शाम को मैं 1 कप चाय और 2 टोस्ट या नमकीन कुछ भी ले लेती हूँ उसके साथ लेती थी, तो ठीक था उस समय, फिर त्यौहार आ गया करवा चौथ आ गया, दीपावली आ गई तो फिर खूब बनाया खूब खाया, और फिर मैं अभी कल से थोड़ा सा शुरू करी तो मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे, कहे तेरा दिमाग ख़राब है साते एक ठे रोटी खा, मैंने कहा साते रोटी नहीं खाना मुझे करने दो अपने हिसाब से, तो ये कहते हैं एक रोटी खाओ ना
लेकिन खाना नहीं छोड़ो। तो मैंने कहा मैं खाऊंगी मल्टीग्रेन आटे की रोटी एक खाऊंगी जो है, और बाजरा वगैरह हमारे घर में है तो मैं सोच रही हूँ उसको पिसवा लेती हूँ, बाजरे की रोटी खाऊंगी, एक रोटी खाऊंगी उसके साथ दाल खाऊंगी, और सफ़ेद वाला चावल, क्योंकि चावल मुझे बहुत पसंद है, मेरा बगैर चावल के पेट नहीं भरता। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ब्राउन राइस आता है तो मैं उसको 5 किलो का पैकेट मंगा लूँगी तो मेरे लिए हो जाएगा, एक कटोरी मुझे खाना है। तो अभी देखिए मैं इनसे कही नहीं हूँ, अभी ये डांटने लगेंगे, कहेंगे तेरा शुरू हो गया फिर से। लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से 10 दिन का थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, और क्योंकि ये चिल्ला रहे थे कहें बीमार ना पड़ना कि मुझे क्या आफत करो, मैंने कहा मैं नहीं बीमार उमार पड़ूंगी, मुझे 10 दिन का करने दो। बस कल से शुरू है, 10 दिन का मैंने सारा अपना डाइट पूरा प्लान चार्ट बनाया है। सुबह क्या है मेरा, एक गिलास खाली पेट अफ्रेश डाल करके सवेरे गर्म पानी में उसको ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं चाय लेती हूँ, 2 टोस्ट लेती हूँ उसके साथ, टोस्ट ना हुआ तो बिस्किट लेती हूँ। और मैंने ऐसा किया है कि मैं अब कुछ ना कुछ, मतलब 9-10 के अंदर ही कुछ ना कुछ खा लूँगी, चाहे एक रोटी दाल दलिया या कुछ भी हो तो उसको खा लूँगी मैं। फिर दोपहर में फिर मैं एक गिलास अफ्रेश लेती हूँ, मतलब कुछ भी खाने के पहले एक गिलास फिर अफ्रेश लेती हूँ गर्म पानी में, और फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी। फ्रूट्स खा रही हूँ, सेब एक पूरा मतलब छोटे छोटे टुकड़े काट के उसमें सेंधा नमक डाल करके उसको खा रही हूँ। शाम के समय जैसे मैंने बताया चाय लेती हूँ मैं, और चाय के साथ कुछ भी। और अभी आज मैंने जो है अपने लिए टमाटर का सूप बनाया था, उसमें मटर डाल करके, तो मैं उसको अभी खाई हूँ, और बस ये हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, क्योंकि हल्दी वाला दूध जुकाम है मुझे इसलिए मैं पी रही हूँ, और इसके बाद सोते वक्त 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी बस। तो यही मेरा अभी 10 दिन का रूटीन रहेगा, देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे चिल्ला रहे हैं कि तू अच्छा जो है तो ये सनक सवार हो जाती है जिस चीज़ की बस शुरू हो जाती है। मैंने कहा सनक ही तो है जो कुछ करने के लिए आगे दिमाग चलता है, नहीं तो फिर सनक नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़ा वाला बेटा भी फ़ोन किया था, वीडियो कॉल किया था, तो मैं उसी समय पापड़ और वो क्या कहते हैं सूप बना के कटोरी थी, वीडियो कॉल किया तो मुझे देख रहा था, कहे मम्मी तुआ कुछ कम ना हो, एक दिन दिखा क्या कर दियो या फिर उसके बाद बंद। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे करने दो, मतलब सब कोई सोचते हैं कि मम्मी केवल 2-3 दिन खाली बस उत्साह इसके अंदर रहता है, उसके बाद ये फिर धीमे पड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे करने दो, आखिर मैं उस बार की तो 10 दिन की ना, लेकिन पता है ना 2-3 दिन आदमी करने लगता है, थोड़ी मतलब 3-4 दिन हो जाएगा तो वो उसी हिसाब से शरीर हर चीज़ को एडॉप्ट करती चली जाती है, एडजस्ट करती चली जाती है। लेकिन अभी 2 दिन क्या, मुझे अभी भूख लगी है, इतना तेज़ भूख लगी है, मुझे लगता है मैं क्या पाऊँ क्या खा लूँ, पर बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने मन को, बिल्कुल कंट्रोल, नहीं नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं खाना। इसीलिए मैं अपने छोटे वाले बेटे को जो मैं बनाई थी वो टमाटर वाली थी वो भी उसी का ग्राइंडर कर लिया, इसमें नमक वमक डाल के रोटी से खा लिया, कह रहा है मैं भी इतना मम्मी तुम्हारे साथ जो है का ये करूँगा। मैंने कहा चल ठीक है तू भी शुरू कर, मैंने कहा तू दूध तो पी, तो कहता नहीं 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 मैं रोटी खा लूँगा, उसको दूध से बहुत दिक्कत है, दूध कभी नहीं पीता चाहे जितना कह दो, मैं कहती रहूँगी तो नहीं सुनेगा, इसके डैडी कह देंगे तो तुरंत पी लो। तो चलिए रखते हैं, 9:30 बज गया है, चलिए देखते हैं मेरे हस्बैंड आ गए कि नहीं, और मेरा दूध ख़त्म हो गया, आपसे बात करते करते मैंने पी लिया। और हल्दी वाला दूध पीना भी चाहिए, ठंडे में सर्दी में फायदा करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है हल्दी। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, तो
गुड आफ्टरनून। और अभी देखिए कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और मैं ये देखिए साड़ी पहनी हूँ और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी वाला सामान मुझे लेना है। मेरा वैसलीन ख़त्म हो गया है और कंघी मेरी टूट गई है, तो मैं सोची चलिए मार्केट चली जाती हूँ। और एक मैक्सी ले आई थी तो वो मुझे छोटी हो गई है, तो उसको मुझे चेंज करना है। तो बस मैं अभी सारे काम कर चुकी हूँ और मैं सुबह से अभी कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा अभी तैयार हो गई हूँ तो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और मुझे मार्केट जाना, मेरी कंघियाँ टूट गई हैं, तो एक दो थी तो वो भी सब टूट गई हैं, तो बस मुझे लेके आना है। और मैंने देखी ये साड़ी पहनी है, नीली कलर की साड़ी है ये, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मुलायम है, सॉफ्ट कपड़े की है। तो मैं ज़्यादातर जब भी मार्केट बाज़ार जाती हूँ तो मैं यही साड़ी पहन के चली जाती हूँ और मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखिए, तो चलिए ठीक है, मैं खा ली हूँ खाना और बस मुझे जाना है क्योंकि 2 बज गया है और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कहीं जाओ अच्छा, तो बस मैं निकल जाऊँ क्योंकि मुझे वो मैक्सी आज 3-4 दिन हो गया, तो पता नहीं है तो अपने पर्चे की दुकान, लेकिन फिर भी किसी का सामान लेकर के घर में रखना ठीक नहीं, उसको चेंज कर दे, छोटी है क्या मतलब है। और कुछ मुझे ठंडी के सामान भी लेने हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बताया वैसलीन। और मार्केट में जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे क्या चीज़ है, फिर आऊँगी तो फिर आप लोगों से ज़रूर, जो अगर कुछ ले आऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ठीक है चलिए चलते हैं, हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं, बाय। तो गुड आफ्टरनून, जैसा कि मैं अभी आप लोगों से दोपहर में थोड़ी देर बात की थी और मैं कह रही थी कि मुझे जो है जाना है थोड़ा सा मार्केट, तो मैं मैक्सी अपने चेंज कराई और ये जो पहनी हो ना मैं बस यही ले करके आई हूँ। तो ये देखिए अच्छी लग रही है, ठीक है, कलर भी इसका अच्छा है और ये ठीक है। वो तो मेरी थोड़ा सी टाइट थी इसलिए मैं उसको चेंज कराई और ये लेकर के आई हूँ, तो ठीक है, क्योंकि मैं डेली यूज़ में मैक्सी ही घर में यूज़ करती हूँ। और मुझे कुछ सामान भी लेना था, जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं मार्केट जाऊँगी, वहाँ जब मार्केट में पहुँच जाऊँ ना तो कुछ ना कुछ पसंद ही आ जाता है तो फिर लेना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं क्या क्या लाई हूँ, अपने मोबाइल को स्टैंड में रख देती हूँ फिर दिखाती हूँ। चलिए मैं मोबाइल स्टैंड पे रख दी हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि मैं रोज़ अफ्रेश पीती हूँ दोपहर में, तो बस अभी देखिए ये मैं बनाई हूँ अफ्रेश और पी रही हूँ। और अभी मुझे आधा घंटा हो गया, मैं मार्केट से अभी आई हूँ, तो मैंने कहा मैं मार्केट से आई हूँ तो अभी मैं अपने हाथ धुली हूँ, पैर धुली हूँ और कपड़े चेंज की हूँ। और इसको मैं साइज़ नाप रही थी तो बस इसको मैं पहन ली हूँ और आज दिन अच्छा है इसलिए मैं इसको पहन ली हूँ। तो ये ठीक है, ये मुझे मैक्सी अच्छी है क्योंकि मुझे डेली यूज़ में मैक्सी पहनती हूँ, मुझे मैक्सी में बहुत रिलैक्स फील होता है। तो अफ्रेश पी लूँ क्योंकि कल मैं आपसे बात करते करते मेरा अफ्रेश ठंडा हो गया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैं क्या क्या ले आई हूँ। और मार्केट में पहुँच जाओ ना तो पैसा यूँ 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 जाता है। तो ये देखिए, ये मैं मेहंदी ले आई हूँ, तो ये देखिए बाल में लगाने के लिए ये एक ब्राउन और एक ये ब्लैक लाई हूँ, मैं यही मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ। और क्या दिखाऊँ मैं, और तो कुछ दिखाने लायक नहीं है, ये मेरी बनियाइन है, इसको क्या दिखाऊँ मैं। और ये मैं 2 बनियाइन अपने लिए ले आई हूँ, और ये देखिए मैं शैम्पू ले आई हूँ, हेड शोल्डर लाई हूँ। और मैं पाउच वाले ही लाती हूँ, बॉटल वाले नहीं लेती हूँ, पाउच वाले में अच्छा रहता है, 3 इस्तेमाल कर लिया इसमें इतना मतलब परफेक्ट रहता है। और बॉटल वाले में तो कुछ लिमिट नहीं रहता, कितना लगाओ लो है कि नहीं। और ये मैं नेन पेंट ले आई हूँ, ये देखिए SP का है, SPLG से नंबर 18, ये देखिए जी पिंक कलर की है। तो मेरे पास ये कलर नहीं था और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिंक कलर, तो मैं एक ही इसको ले आई हूँ। और एक कलर और ले आई हूँ, जी देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये ले आई हूँ, ये पिंक से थोड़ा सा डार्क है ये, और
और एक ये वैसलीन की ये डिब्बी ले आई हूँ, पेट्रोलियम जेली जी, ख़त्म हो गया था क्योंकि बच्चे लगाते मेरे बहुत हैं इसको। और ये मैं नेविया का लाई हूँ, स्ट्रॉबेरी का, क्या आपको दिख रहा होगा, नहीं उल्टा सेट दिख रहा है, ये देखिए नेविया का है, स्ट्रॉबेरी का है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडी में, मैं यही यूज़ करती हूँ। और ओठों में बहुत अच्छा ओठ मुलायम रहता है, मॉइस्चराइज देता है ये, तो मैं इसी को हमेशा ठंडी विंटर में मैं यही यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको ले आई हूँ। तो देखा ये सब शॉपिंग करके ले आई हूँ मैं थोड़ा बहुत, और हम लेडीजे मार्केट जाते हैं ना कुछ भोजा की तरह उठा लाते हैं। मेरी बनियाइन फट गई थी तो इसलिए ले आई हूँ, इससे मैं आप लोग को क्या दिखाऊँ। और ये देखिए, ये मुझे जाड़े में मुझे बहुत पसंद है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये चिक्की, ये देखिए चिक्की मुझे ठंडी में बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ ये। और एक ये तिल का लड्डू, तो तिल का लड्डू मुझसे बांधते नहीं बनता, मगर मेरी मम्मी जब बांधती थी ना तो बहुत हम लोग बहुत खाते थे, मुझे बहुत पसंद था, और वो हमेशा बांधती थी तो मेरे ससुराल भी बांधती थी मुझे। तो बस यही सारे सामान लेकर के आई हूँ मैं, और थक जाना होता है जब मार्केट जाए ना, तो वहाँ से आए तो बिल्कुल सी थकान लग जाती है। और एक चीज़ और लेके आई हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ, चलिए दिखाती हूँ। सेफ मेरी सेफ में रखी है, दिखा ही देती आप। तो ये देखिए, ये कुर्ती लेके आई हूँ मैं अपने लिए, और ये देखिए कैसी लग रही है आप लोगों को ये कुर्ती जी। देखिए इसका ये पूरा सेप इस तरह का है, गोल है, और ये फुलवान की है ये जी, देखिए जी, और पूरी मतलब लॉन्ग है पूरी कुर्ती ये देखिए। तो ये कलर इसका, मुझको ये कलर इतना मतलब अच्छा लगा, इसका मतलब ये कपड़ा ना मतलब ऊनी नहीं है, लेकिन दूर से देखने में ये ऊनी कपड़ा लगता है, ऐसे लगता है जैसे गर्म वाला कपड़ा है। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने फिर ले लिया डेली यूज़ के लिए, मैंने कहा वॉक वगैरह करने के लिए, और ये दिया है 500 रुपये का, तो 490 का मुझे ये दिया है वो, माओ 500 रुपये पड़ गया इसका। एक ये लिया है और एक और लिया है, दिखाती हूँ, ये भी डेली यूज़ के हिसाब से दो, मतलब दो लिया, इसी का दो लिया मैंने, ये देखिए सेम है बस कलर थोड़ा चेंज है, ये येलो कलर का है, और ये देखिए इसकी भी फुल वाही है, ये देखिए फुल वाही है, और ये देखिए ये भी पूरी लॉन्ग है। तो इसका कपड़ा ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए इतना कपड़ा इसका सॉफ्ट है, ये मुझे इसको कहीं भी जाने में इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी जाओ जल्दी से पहन लो बस, और मुझे सॉफ्ट कपड़े ज़्यादा अच्छे लगा करते हैं। तो एक ये है और एक मैं ये स्टॉल ले आई हूँ जी, देखिए ये है, ये रानी कलर है ये देखिए। तो मैंने कहा ठंडी वगैरह में जैसे कहीं बाहर बाहर गए हॉस्पिटल वगैरह तो इसको कान को बांध लेते हैं, तो ये मेरे को पड़ा है 150 का, ये 150 का है, ऊनी नहीं है ये, मतलब फिर भी कान वान बांधने के काम देगा। तो देखा आप लोगों ने, मैंने ये दो कुर्तियाँ ली हैं जी, 1000 की पड़ गई। तो मैंने कहा डेली के लिए, और मेरे पास है ना तो सब आने जाने वाली है, और कहीं भी जैसे कहीं जाना होता है तो बहुत ज़्यादा चमक धमक अच्छा नहीं लगता, और ये सॉफ्ट कपड़े की है। और मुझे ये सबसे अच्छा इसका क्या लगा ना, ये दूर से ऐसे लगता है जैसे गर्म वाला कपड़ा है, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो आप लोग को मेरी कुर्तियाँ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरा 2000 खर्चा हो गया, 1000 की ये कुर्ती हो गई, 600 का मैंने ये सारा सब सामान जो लिया वो हो गया, और ये चिक्की ले आई,
पैसा खत्म इसी तरह होता है, जब हम ले लीजिए बाहर जाते हैं ना, कोई चीज़ पसंद आ जाता है तो बस ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और जब भी मैं जल्दी से कुर्तियाँ वगैरह नहीं लेती, ये है कि जब जाती हूँ मार्केट, यदि पसंद आ गया तो मैं इकट्ठा दो ले लेती हूँ, फिर मुझे हो जाता है कहीं। और बाकी घर में तो मैं हमेशा गाउन ही पहनती हूँ, कहीं गई वगैरह तभी सूट वगैरह पहनती हूँ, और ससुराल में वैसे कहीं जाती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं इसको पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। और अभी समय 4 करेक्ट 4 बज गए हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा आराम भी करेंगी, क्योंकि आज मैं काम करने के बाद तुरंत मार्केट चली गई। तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय।